तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक अपडेट बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको बता हुआ सैमसंग गैलेक्सी के अंदर आपको क्विक शेयर वाला ऑप्शन मिलता है, जिससे आप इजीली किसी को सैमसंग गैलेक्सी में इजीली डेटा को ट्रांसफर कर सकते थे। बट अभी कुछ दिन पहले एक और अपडेट आया था, उसके बाद आप एंड्रॉइड डिवाइस में नियर बाय शेयर के भी आप वहां पर इजीली डेटा को शेयर कर सकते थे। तो उसी के अंदर एक नया अपडेट आया जिसके बारे में आगे बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसे टेक में। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि होता है मैं आपको बताने वाला हूं क्विक शेयर के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है आपको यहां पर गैलेक्सी स्टोर पे जाने के बाद आप वहां पर जाएंगे अपडेट्स वाले सेक्शन में, तो आप देखेंगे दो नए आपको अपडेट मिल रहे होंगे, क्विक शेयर और क्विक शेयर एजेंट करके दोनों पे आपको नए अपडेट्स मिल रहे होंगे। तो दो ऐप ऑटोमेटिक सपोर्टेड करती है, तो दोनों को आपको अपडेट यहां पर आप देखेंगे क्विक शेयर का अपडेट आया, और नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक और नया अपडेट मिल रहा होगा क्विक शेयर कनेक्टिविटी का। तो दोनों साथ में ही पैरेलली काम करते हैं। तो यहां पर आ जाएं क्विक शेयर वाले अपडेट्स के अंदर, तो आप देखेंगे यहां पर आप देखेंगे नए अपडेट में सपोर्ट फैमिली हब फॉर रेफ्रिजरेटर नियर बाय शेयरिंग के लिए यहां पर सपोर्ट दे दिया गया। नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर लिखा भी है 26 अप्रैल 2024 तक के लिए आपको यहां पर 26 अप्रैल 2024 में नया अपडेट आया है जो कि 24 MB का है। और यहां पर आपको नया अपडेट यह दिया गया है कि आप यहां पर नियर बाय शेयर में इजिली कनेक्टिंग हो पाएंगे। तो ये बहुत ही कमाल का अपडेट, जैसा कि पहले भी आ चुका था, और अब इसमें कुछ अपडेट के साथ कुछ बक्सेस फिक्स किए गए होंगे, उसका स्मूथनेस को बढ़ा दिया होगा ताकि आप इजिली यहां पर डेटा ट्रांसफर कर सकें। ऐसे ही बाहर आएंगे तो क्विक शेयर का है या एजेंट वाले में भी जाएंगे तो उसमें भी देखेंगे आपको सेम यही बताएगा कि सेम चीज वहां पर भी अपडेट मिली है सपोर्ट ये करके, और इसको भी 26 तारीख को ही रोल आउट किया गया। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि आप यहां पर क्विक शेयर के थ्रू कोई से भी मोबाइल में, एंड्रॉइड मोबाइल में या सैमसंग गैलेक्सी हो या यहां पर आपका नॉर्मल एंड्रॉइड मोबाइल, तो दोनों जगह आप यहां पर डेटा को ट्रांसफर कर पाएंगे नियर बाय शेयर के थ्रू। तो फाइनल ये हो चुका है डाउनलोड करने के बाद मैं आ गया हूं यहां पर गैलरी में, यहां पर मैं शेयर पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहां जाना है क्विक शेयर वाले ऑप्शन पे। जैसे ही क्विक शेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहां से आप डायरेक्टली क्विक शेयर कर पाएंगे, सेंड बाय शेयर बाय नियर बाय डिवाइस, चाहे क्विक शेयर पे हो चाहे नियर बाय शेयर खोला हो, तो सबके डिवाइस के नाम आपको यहां पर मिल जाएंगे और आप डायरेक्ट क्लिक करके वहां पर डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके अलावा यहां जाएंगे आई बटन पे तो आपको बता भी देगा कैसे इसको यूज करना है, सब आपको बता देगा। इसके अलावा यहां पर आप थ्री डॉट्स पे जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बता रहा है, अपडेट्स बता रहा है, बट ऑलरेडी अपडेट अपन कर चुके हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी अगर आप शेयर करेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं गया इस फोटो पे और मैंने यहाँ पर क्विक शेयर पे यहाँ पर क्लिक करा शेयर पे और क्विक शेयर पे क्लिक करा, तो यहाँ पर डायरेक्टली नाम आ जाएगा उस डिवाइस का जो कि मेरे आसपास अभी ऑनलाइन होगी। अब तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही अगर आप कोई एंड्रॉइड डिवाइस पे जाएंगे तो यहाँ पर उसका आपको नाम दिख जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये MI का फोन है, वो ना सैमसंग का फोन नहीं है, फिर भी इसका डिवाइस का नेम यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट आ जाएगी, आप देख सकते हैं ऐसे नाम से ये रिक्वेस्ट आपको दिख रही होगी, क्विक शेयर के नाम से आपको दिख रही है। जैसे यहाँ पर मैं शेयर करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा और वो फोटो यहाँ पर आ जाएगी आपके सामने। दूसरे डिवाइस पे भी ऐसे तरीके से वर्क करता है। तो यही नया अपडेट था, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिलती रहे। और हो सके मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और फेसबुक पर भी फॉलो करें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।